परमेश्वर कीर्तिनां गरिणां शक्तिनां च ते गोराशे सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वांदो निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाक ज्योतिमात्प्रमेयं त्वमाक्षरं परमं वेदि गव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निराळं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मलोका सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुत शवत्वं स्वगे स्विदम ज्यादेव्यो जीवमी व्याप्त के नदीशस्तवाभ्युप्यवेद हमी त्वां सुरसंग्रहे सन्धि केचिन्नि प्राञ्जलयोगिनन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंभा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः रुद्रादित्या वसवो ये स साध्या विश्वेष्णो मरुत सोष्णाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मितास्यैव सर्वे सानिधिशतवप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीता प्रीतिहो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च तेन नमेरं महात्मा गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तरे जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तरं त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य ईश्वरस्य परं विधानं भित्ता श्रीवेद्यम् च परं च धाम त्वया कृतं येष मनन्तरूपा वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं त्व
पितामहस्य नमो नमस्ते सुसहस्रदे पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तारकृष्णदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदैव सर्वानन्तरीयानिकविक्रमस्त्व सर्वं समाप्तो हिततो हि सर्व सभेति मात्वा सर्वं यदुक्तम् हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानतामहि मानवेदं मया प्रमादप्रणयेन भावि यच्चावासार्थमशक्तिदोषि हैया सर्वोजनेषु एकोत्रात्यस्युतसमचं तच्छामयित्वा महमप्रमेयमिकासि लोकस्य सरासरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्नात्वस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकप्रेत्यप्रतिमाप्रभावस्मात् प्रणम्य प्रणिधायतायं प्रसादये त्वा महमीशमीयं हेवपुत्रस्सखेव सख्यो प्रियः प्रियायासि देवसोऽहं अहमेव माता त्वमेव त्वमेव बन्धु सुखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव राम। श्री गीता जी का पाठ 17वां अध्याय प्रारंभ से श्लोक संख्या 10 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अथ सप्तमोऽध्याय अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधि मुसेज्य यदन्ते श्रद्धया नृता येषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्यमाहोरजस्तमा। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो
यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसा त्रितान् भूतगणास्तान्ये यजन्ति तामसाजना अशास्त्रविहितं घोरम् तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहङ्कार संयोगा कामरागबलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममतेतस मांसैवान्तःशरीरस्थं तान् विद्यासुरमेष्टयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिभो भवति प्रिय भग्यस्तपस्तथा दानो तेषां भेदमिमं शृणु आयो सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धना रस्याः स्निग्धाश्चिराधेद्या आहारा सात्विकप्रिया काश्वाम्ललवणात्योष्ण तीक्ष्णरुक्षविदायिन आहारागसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदा यातयामं गतरसं कोटिप्रयुषितं च यत् ोत्सेष्टमपि साभिध्यं भोजनं तामसप्रियं यातयामं गतरसं कोटिप्रयुषितं च यत् ोत्सेष्टमपि साभिध्यं भोजनं तामसप्रियम् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरण Sarana, Hare Sarana.
राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 3 अगस्त 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम के विषय में कहा कि मांगी पार्थ दीपाश्रित्य ये भी सो पाप योनि है। पाप योनि है पूर्व के पापों के कारण से जिनको नीचे कुल में जन्म हुआ है, नीची जोड़ी में जन्म हुआ है, वे भी मेरे शरण होकर के और परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। मेरे चरणों के शरण होकर के पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, वे भी मेरे भक्त हो जाते हैं। तो ये दो विशेष है, एक तो अभी पाप करने वाले, एक पूर्व के पापी। पूर्व के पापियों का नीच योनि बताया, पाप योनि, और अभी से दुराचार्य से दुराचारी से दुराचारी आचरणों में वर्तमान में खराब आचरण वाले हैं। तो पूर्व के पापी हो चाहे वर्तमान के पापी, मेरे चरणों के शरण होने से सबका उद्धार हो जाता है। तो कभी भी मनुष्य को अपने में परमात्मा की प्राप्ति की अयोग्यता नहीं माननी चाहिए। संसार में तो योग्यता के अनुसार पद मिलेगा, सबको बरोबर पद नहीं मिलता। किसी योग्यता अधिक है, किसी योग्यता कम है, किसी में बल कम है, किसी में बल कम ज्यादा है, किसी में विद्या अधिक है, किसी में कम है, कोई चतुर है, कोई मूढ़ है, तरह तरह के है। तो उनको उनको देखकर उनके अनुसार आदर होगा। भगवान के तो एक है भक्त्या तुष्ट ने केवलम नच गुणे भक्ति प्रयोगतु भजन, ये भजन तो तमाम भक्त्या, भक्ति से मेरा भजन करते हैं वे मेरे को कहते हैं। जो भगवान को चाहते हैं, सज्जनों संसार की चीज चाहना से नहीं मिलती है। चाहना भी हो, उद्योग भी किया जाए और प्राप्त हो तो चीज मिलती है। तीन कारण बनाए, मानो चाहना भी भीतर हो और पुरुषार्थ भी किया जाए और भाग्य साथ दे तो संसार चीज मिलती है। भगवान की प्राप्ति केवल चाहना करने का उद्योग, उसमें खास कारण नहीं है, वो चाहना से आप ही करा लेगा। और इसमें भाग्य की बात है ही नहीं, भाग्य की बात तो उनमें होती है जो कर्मजन्य होता है। और कर्मजन्य वस्तु होती है वो नाशवान होती है, क्योंकि क्रिया का आरंभ और नाश दोनों होता है। कोई काम करके आरंभ होता है और समाप्ति होती है, तो उसका फल आनंद कैसे होगा, उसका फल भी नाशवान ही होगा। तो प्रारब्ध होता है वो जो इस शरीर में भोगने के लिए जो आरंभ हो गए हैं कर्म, उस विभाग का नाम प्रारब्ध है। तो वो कर्मों का फल है, परमात्मा की प्राप्ति कर्मों का फल नहीं है, क्योंकि वो अनंत है, नित्य के लिए है, सदा के लिए है। सदा के लिए झंझट मिट जाए, दुख मिट जाए, संताप मिट जाए, हर्षण मिट जाए, भय मिट जाए, शोक मिट जाए, सदा के लिए। और परम पद की प्राप्ति हो जाए, जिसे समान कोई पद नहीं है, ऊंचे से ऊंचा लाभ हो जाए, हानि किसी तरह की कभी हो ही नहीं, दुख किसी तरह का कभी स्वप्न में भी ना हो, ऐसे पद की प्राप्ति है। वो कर्मों का फल नहीं है, वो कृपा का फल है। कर्मों में भी लोगों ने ध्यान देने की बात याद आ गई, सुख दुख कर्मों का फल माना है, सुख दुख कर्मों का फल नहीं है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए ये कर्मों का फल है, और सुखी दुखी होते हैं उसमें कारण मूर्खता है।
सुख दुख होता है ना, उसमें कारण मूल होता है। सुख दुख होना, सुखी दुखी होना, ये कर्मों का फल नहीं है। भगवान न तुम सोचित मनुष्य, नैवम सोचित मनुष्य, नैनम सोचित मनुष्य। शोक नहीं करना चाहिए, तो शोक करना न करना अपने हाथ की बात है। तुम्हें बुखार नहीं चढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कहा गया, बुखार नहीं चढ़ना चाहिए। तुम्हारे धन जाना नहीं चाहिए, तुम्हारा बेटा मरना नहीं चाहिए, तुम्हें उलाना नहीं देते, तुम्हारे कर्मों का फल होगा। दुखी नहीं होना चाहिए, दुखी होना आपके अधीन है, सुखी होना आपके अधीन है। और वो फल तो ऐसा होगा, वो तो उसमें भगवान भी पंचायत में पड़ जाते हैं, कैसे करें। एक आदमी था, उसके दो लड़कियां थी, तो दो गांव में ब्याही गई। वे जाति के कुम्हार थे, ना बर्तन बनाने वाले, तो एक तो बर्तन बनाए थे और एक कुल था वो खेती करने वाला था। वो बर्तन नहीं बनाते थे, वो खेती करते थे और वो बर्तन बनाकर पकाकर बेचा करते थे। तो पिता गया मिलने के लिए अपनी बच्चियों से, लड़कियों से, तो पका पड़ी, उसने हाथ रखा सिर पर, प्यार किया कि बेटा खुश हो, प्रसन्न हो, राजी हो। तो जिसने बर्तन बनाने थे ना, उसने बर्तन सब बना दिए और गांव में रखे हुए थे। तो गांव में रखे हुए तो फिर सूख जाए, फिर हवा में नार में देख कर पकाएंगे, तो सूखने रखे थे। तो उस लड़की ने कहा कि पिताजी, दो चार पांच दिन वर्षा नहीं आवेगी तो तुम्हारा काम ठीक हो जाएगा। वर्षा आ गई तो रखे कहा बच्चनों को, जगह तो है नहीं, बच्चन जाएगी। दूसरी लड़की ने कहा कि महाराज, खेती करी है, पांच सात दिन वर्षा नहीं, खेती सूख जाए, वर्षा हो जाए तो ठीक हरी रह जाएगी, सूख जाएगी। और कहा वर्षा भी कृषि सुखान। अब राम जी भी पंचायत में पड़ जाए, वर्षा करे ही ना करे, बताओ वर्षा करते एक के नुकसान, वर्षा न करते एक के नुकसान। तो मनुष्यों की धारणा की पूरी करने में भगवान भी असमर्थ। तो चाहना न करना, ये बात है इनका आदेश का तात्पर्य, चाहना न करना, कोई कामना न करना और भगवान के भजन में लग जाना। तो संसार की इच्छा करने से बंधते हैं और संसार की इच्छा न करने से खुल जाते हैं। और होना है जिसको हो ही जाएगा, ये निश्चित बात है। वर्षा होनी तो हो ही जाए, चाहे बर्तन गले, चाहे कुछ भी हो जाए। और नहीं होनी तो नहीं हो, चाहे खेती सूख है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो इनके ऊपर नहीं निर्भर है। वो तो होना तो हो जाएगा, वही नहीं होता हो जाएगी। इस तरह से मनुष्य अपनी इच्छा कर ले तो इच्छा गुरु की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। इस वास्ते संसार की इच्छा तो करनी नहीं चाहिए। गीता ने कामना के त्याग पर बहुत जोर दिया, हर एक पुस्तक में कामना के त्याग पर इतना जोर नहीं मिलता जितना भगवद गीता में मिलता है। विशेष बात आती है, मन में चाहना मत करो। चाह चोरी रामदास सब नीचों से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था ये चाहन होती बीच। ये चाहना न होती तुम तो शुद्ध ब्रह्म था। तो संसार की चाहना है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, पर तू चाह करके भ्रष्ट है। एक साधु थे, वो काला कपड़ा रखते थे, मानो कोयला में रंग दिया सफेद कपड़े को, काला वो पहनते थे। तो किसी सज्जन ने एक चद्दर दे दी, चद्दर दे दी, तो विचार के भी क्या करें। एक घर में गए कि कोयला दो, जा यहां से कोयला दे, कहा दे नहीं दिया, चले गए। साधु साधु चलो क्या करें, कोई जोर जोर लगा,
कोला क्यों देते, जाकर बैठ गए तो बढ़िया भोजन ले करके घर देना है कि महाराज ये ठाकुर जी के प्रसाद हा मेरे यहाँ घर पर जो भोग लगाया था तो बेचारे संतों को दे दे, इस बार भोजन करो। तो बोले कि मांगे मिले न कोयला बनसा है पकवान मांगने से कोयला नहीं मिलता, जो जरूरत होती है वो भी नहीं मिलती, फिर बनता है पकवान मिलता है। तो चाहना के अधीन संसार की प्राप्ति नहीं है, संसार की प्राप्ति तो होनहार है, कर्म तेरा भाई कर्म अनुसार। एक ही बाजार में एक आदमी चीज बेचता है एक खरीदता है, तो बेचना के मन में भी मुनाफा ले लें और खरीदने वाले के मन में मुनाफा ले लें। अब बेचने वाले मुनाफा हो तब हो जो पीछे वस्तु कम हो जाए, तब भी अब जल्दी जल्दी ठीक ले लो, अब ज्यादा है तो सस्ती मिलेगी, तो सस्ती मिला रहे के बदले ले ले, या चीज हो जाएगी महंगी, वो भी महंगी है चीज बेचना फिर सस्ती हो जाएगी। तो एक आदमी खरीदता बेचता दोनों धारणा दो है, लेने वाला समझता है कि ये तेज होने वाली है, देने वाला है कि ये सस्ती होने वाली है, तो निकल जाता अच्छी वो भी तो हार जाते अच्छी। तो चाहना तो दोनों की ठीक अपने नाम की है, होगा क्या पता है तो सही रहेगा या तेज होगा कि मंदा होगा, वो हो जैसा होगा। तो मनुष्य की धारणा एक नहीं होती, एक होती तो बेचने वाले बेचा भी नहीं और एक हो जाए खरीदने वाले खरीदा गई नहीं, कि बजाय तो सस्ता होने वाला क्यों खरीदो भाई अपने घाटा लग जाएगा, अरे वो बेचने वाले क्यों बेचेगा। इस वास्ते ये होने वाला है वैसे होता है, तो एक ही बाजार में एक ही घाटा लगता है तो बना हो जाता है। जब व्यापारी दोनों बड़े बुद्धिमान जी कहते थे कि बुद्धिमान आदमी नाम लेकर का बड़े बुद्धिमान है पर बाजार में घाटा खा गए, तो बुद्धिमान क्या काम करे, समझदारी क्या काम करे, सब हो ना हो तब हो तो बड़ो बलि ताको अटल विचार किन मानी मानी नहीं होनहार से हार, होनहार से हार माननी पड़ती है। तो संसार की तो होनहार है, करने में तो भजन स्मरण है, ये होनहार नहीं है, होने वाला होगा भजन नहीं तो ये है, भजन तो करने की चीज है, ये वर्तमान की चीज है, अभी करने की बात है, अभी करो तो हो जाएगा नहीं करो तो नहीं होगा। आप आ गए सत्संग हो गया नहीं आए नहीं हुआ, ये अपने पुरुषार्थ की बात है। धर्म का अनुष्ठान और कल्याण करना इसमें नए कर्म होते हैं, और संग्रह हो जाए भोग मिल जाए ये पुरानी बात है, कर्मों का फल है पहले के किए, तो वो तो होने वाले उसे चिंता क्यों करे, ये होने वाला होकर रहेगा, हो तो बड़ो बलि वो तब होता है जो भवितव्य है होनहार है वो होगा, ताको अटल विचार अटल होगा वो, इस वास्ते उसी चिंता हम क्यों करें, जैसा होगा देख लेंगे। करने में सावधान होने में प्रसन्न, करने में सावधान रहे, पाप न करें अन्याय न करें, सच्चाई के साथ हित के साथ होगी सबका कल्याण हो ऐसा काम करें, अभी और परिणाम में और हमारा और सबका चार बात ये है, हमारे भी अभी ठीक हो परिणाम में ठीक हो, अरे हमारा भी परिणाम में कल्याण हो अभी ठीक हो, चारों बातें अभी की गौण है अगाड़ी होने की मुख्य है। यहाँ तो शुद्ध भोग लेंगे अगाड़ी लाभ ही लाभ हो, इस बात से पतंजलि योग में ये कहा है हेयम दुखम अनागतम, जो दुख नहीं आया है उसका त्याग करो वो दुख ना आ जाए, पहले भोग लिया वो उसका क्या भोग चुके हो तो, और अभी आ गया भोग रहे हैं वो तो भोगना पड़ेगा ही, अगाड़ी दुखी ना हो अगाड़ी सुखी हो जाए, ये दीर्घ दृष्टि होती है, तुच्छ दृष्टि होती है, नजीक नजीक जीता है,
दीर्घ दृष्टि वाले देखते हैं कि अगाड़ी परिणाम क्या होगा, अंत में नतीजा क्या निकलेगा, तो ऐसा समझ कर वे पापी नहीं होते, वे अन्यायी नहीं होते, वे दूसरों को दुख नहीं देते। वे समझते हैं कि दुख दिया है अगाड़ी वो दुख तैयार हो जाएगा, अगाड़ी लोग बिगड़ जाएगा। अभी तो जैसा भोग लें, सुखा तो सुख भोग लें, दुखा तो दुख भोग लें, कोई परवाह नहीं। पर अगाड़ी का जीवन न बिगड़ जाए, मूर्ख होते अपारी ले लो, फिर अगाड़ी कौन देखता है। ऐसी मूर्खता का काम है। तो पशु पक्षी आदि के उनकी अगाड़ी दृष्टि नहीं है, उनकी अगाड़ी जीवन में भी दृष्टि नहीं है। चारा चर लेंगे, कल क्या चरेंगे संग्रह नहीं करते, इतनी है वर्तमान। और मनुष्य के अलग पीढ़ियां तक की विचार इतना देंगे, चाकर दे 5-10 पीढ़ी तक खत्म नहीं हुई जितना, और लगता है धक्का अच्छे ही कुछ चला जाता है। तो मनुष्य इतना इतना सोचता है, प्यार करता है, चलती है। तो उसमें तू चला गई भजन करना है, इसमें चलती आपकी स्वतंत्रता है। मैंने कहा था ना कि हर एक आदमी के घर में 1,00,000 रुपया इकट्ठा देखने को नहीं मिलता, बहुत कम आदमियों को मिलता है। 1,00,000 नाम हरे ही ले सकता है, धनी से धनी, गरीब से गरीब 1,00,000 नाम ले सकता है। कितनी बढ़िया बात है। अरे धन मिलता नहीं, मिलता नहीं साथ रहता नहीं, मरे तो 1,00,000,000 करोड़ कोड़ी एक साथ चलता नहीं, और भजन कोड़ी एक बात पास पीछे रहता नहीं, अपना भजन किया अपने साथ चलेगा। धन में तो बंटवारा होगा भाइयों का, भजन में बंटवारा नहीं होगा, कभी इतना धन इतना हमें भी नहीं जाए। ये तो भाई आपने अपना करना है, इस बात बड़ी सावधानी से अच्छे काम में लग जाओ। समय को भी अपने विचार करो कि समय खाली न चला जाए, सावधान रहो, सावचेत करने में हरदम सावधान। भजन करना, स्मरण करना है, अनाचार अत्याचार नहीं करना है, अनाचार नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, खोटा कर्म नहीं करना है, शास्त्र और लोक की मर्यादा से विरुद्ध चलना ही नहीं है। तो आप शुद्ध रह सकते हो, पवित्र रह सकते हो, सुखी दुखी रह सकते हो, तो एक ही बात नहीं है। सुखी दुखी न होना अपने हाथ की बात है, पैसा इकट्ठा कर लेना भोग अच्छा होना हाथ की बात नहीं है। हाथ की बात को कल्याण करना, उद्धार करने के लिए मानव शरीर मिला है, मनुष्य शरीर का फल परमात्मा की प्राप्ति करने का। ये तन कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है, संग्रह करना नहीं है। लोग दो में लगे ज्यादा, एक तो संग्रह कर ले, एक भोग भोग ले। भोग भोगने में अत्याचार अनाचार है सब महान भयंकर पाप कर रहे हैं। राम 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 विचार कर तो रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसा भयंकर पाप कर रहे हैं। केवल आराम से सुख से रहेंगे, ऐसी बुद्धि वृष भारतवर्ष की नहीं हुई थी कभी, जैसी अभी हो रही है। दूसरे देशों में हो जाता है, भारत की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई, निशाद हुई है। पाप करते परवाह ही नहीं करते, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात, पैसा आ जाए हमारे भोग मिल जाए, आराम रहे, झंझट न रहे, कष्ट न रहे, ऐसे काम कर रहे। ऐसे जिनकी इच्छा है वो बड़े भारी पापी होंगे। अर्जुन ने पूछा अथ के न प्रयुक्त पापम जरूरी अनिच्छा न प्रयुक्त, न चाहता हुआ मनुष्य पाप का सुन क्यों कर देता है, मुझे पाप ना चाहता नहीं, क्यों पाप का भाई दुख है, तो दुख की तैयारी कौन करे, तो कुछ चाहते ही नहीं, तो दुख नहीं चाहते हुए पाप क्यों करते, अनिच्छा नहीं चाहते, कौन कराता है पाप भेद, भगवान कराते हैं, दुनिया कराती है ना। काम ऐसा कहो देश सुख की इच्छा, भूख की इच्छा, कामना क्या है कि व्यक्ति और वस्तु के द्वारा सुख चाहना, ये व्यक्तियां हमारी प्रशंसा करे सुख पहुंचा और वस्तुओं के द्वारा सुख हो गए, ये बात।
इससे सुख ले लेंगे। ये सुख लोलुपता पाप करवा दी है। कल सुनाए जाने कृष्ण पाप भयो नहीं जन मन बिना। मनुष्यों की मन नहीं है, मनुष्यों की बुद्धि मन मछली पाप पाप भी समुद्र की मछली बन गई। पाप न करने की बात सुनकर डर लगे। मछली को ये सुना दिया जाए कि कल तुम्हारे उदर से अलग कर देंगे, घबरा जाए। ऐसे नो कहते झूठ कबड़ नहीं करते, घबरा जाए। राम 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 राम। मिलने वाला मिल जाएगा भाई। पाप करो पुण्य करो कैसे ही रहो, होने वाला तो होकर के रहेगा, मिलने वाला मिलकर रहेगा। धन मिलने वाला है तो कोई मना नहीं कर सकता, और नहीं मिलने वाला तो खूब मेहनत करो नहीं मिलेगा। ऐसी बात प्रत्यक्ष देखी हुई है, अपने समझी हुई है, जानी हुई बात है, और आप लोगों की जानने में भी आती है। आप विचार करो तो न चाहते हुए भी धन मिला है और चाहते हुए भी नहीं मिला है। कलकत्ते में रहने वाले दो सज्जन थे, मैं उस समय कलकत्ते में ही था, तो वे गए एक सज्जन वृंदावन। सावन के महीने झूला होते हैं, रासलीला होती है, तो वृंदावन गए। उसी से एक ग्राहक मित्र, उसने उनके नाम से चीज खरीद ली, ऋण पैदा हुए। वो वृंदावन सत्संग आ गया, ऋण पैदा हुए। खुद ने व्यापार किया ही नहीं और कहा भी नहीं। तो आने वाला तो यूं आता है, छप्पड़ फाड़ कर देते भगवान। नहीं आने वाला है तो बस कर दो मेहनत खूब। पाप कर तो निशिवासत जाए, नहीं कटिपट नहीं पेट आगाई। रात दिन पाप करते बीतते हैं, और नहीं कटिपट का मतलब लज्जा निवारने के लिए ये पूरा कपड़ा नहीं, और पेट भरने के लिए याद नहीं, स्वाद सुख दूर है। केवल निर्वाह की बात भी मुश्किल हो रही है। चित्रकूट में पहुंचे हैं भरत जी महाराज, पाकोर पिलात आते हैं, बड़ा आनंद है। भगवान को देखा तो राजी बहुत हुए, बहुत खुश हुए। एक तो वहाँ कोल पिलात मिलते, एक वहाँ ऋषि मुनि मिले, एक देवता में, तीन मिले वहाँ चित्रकूट। तो भगवान ज्यादा कोल पिलात राजी हुए, ऐसे ना भक्तों से हुए ना देवताओं से। उनका प्रकरण ज्यादा है, तीन दे फकल जाते हैं। जिन पशु बालक जैसे माँ बाप के वचन पिता सुनते हैं, जो कहे बालक पोते की बात आप सुने मुदित मन पुतु पोते की बात। इस तरह से ठाकुर जी राजी हो रहे हैं, उतने राजी देवताओं पर नहीं हुए, उतने राजी ऋषि मुनि हो रहे हैं। क्यों उनका सरल सभा भगवान आगे मौज से सेवा करेंगे। हमारे यहाँ सब देखा हुआ, हमारा गिरी कंदरा दुखाएंगे, कंदमूल फल हम जानते हैं लाएंगे, सब तरह ठीक है। शिकार खिलाएंगे आपको, शिकार खिलेंगे तो उसमें हम मज करेंगे। अपनी अपनी चीज है हमारा, जो कोई अर्पण और क्या करेगा। सब अपने छोटा बच्चा होता है ना, किनारे तो पिता को चढ़ा रहे समझे कि चमकी बड़ी बढ़िया है। अब बड़े तेज दृष्टि में पिताजी उड़ेंगे। इस तरह से भक्त होते हैं, भगवान की सेवा कर भगवान उसे खुश हो जाते हैं। भावग्राही नारायण है ना, भगवान को भाव तो सच्चे हृदय से भाव से भगवान को पुकारो। समय दे लगाओ, संसार जो मिलने वाली चीज मिलेगी, अरे भगवान की चाहो तो चीज मिलेगी। तो मिलने वाली मिलेगी, चाह का दिन नहीं है, भगवान की प्राप्ति चाह का दिन है। केवल चाहना हो जाए, दूसरी चाहना सब मच करके हो जाए। अभी आपने कहा कि यह सदैव के लिए हलचल मिट जाए, संताप मिट जाए, सदैव के लिए यानी परम पद पा जाए, ऐसे भगवान को प्राप्त कर ले। लेकिन जिसकी भावना है कि हम चाहे जैसे हैं लेकिन भगवान के, अगर हम ऐसे ही रहने में भगवान को सुख है
तो हम ऐसे रहेंगे। बहुत अच्छा है। लेकिन जब आपकी ये बात सुनते हैं कि सदैव के लिए उनके रहते हुए हम क्यों दुखी हैं, क्यों संताप कर रहे हैं, क्यों हलचल है, तो क्या करना चाहिए उस समय? मस्त रहना चाहिए, भगवान की कृपा मान कर गए। नाम जप करते रहो और मस्त रहो, भगवान की कृपा मान कर रहो। नाम जप रात निकलते रहो और भगवान की कृपा है, सुख में भी कृपा, दुख में विशेष कृपा, और नाम जप ये बढ़िया चीज है, एकदम साफ चीज है। ये तो मुक्ति चाहते हैं उनको कहते हैं, मुक्ति उनकी हो जो बंधन हो, नाम जप करें मस्त, बंधन है ही नहीं हमारे, मुक्ति क्यों चाहे? भगवान के नाम का जप करते रहो और प्रसन्न रहो, एकदम मौज है, भगवान का नाम ले रहे हैं, रोटी कपड़ा मिलता है भगवान की कृपा से, नाम ले रहे हैं, सब समय भगवान में लगाओ, इसी में मस्त हो जाओ, चिंता ही कुछ भी ना, मुक्ति के ना बंधन की ना परम पद की ना ज्ञान की ना ध्यान की, कुछ नहीं, सब समय भगवान में लग जाए, ये सावधानी रखो। बीच में समय भगवान के न लगकर भोगों में पदार्थों में फालतू चीज हो जाए, सावधानी रखो, फालतू समय नहीं जाए। बैठिए। लेकिन जिसकी जब कभी आप कहते हो कि कब करोगे परमात्मा की प्राप्ति, अभी भोगों में समय बिता रहे हो, लेकिन जिसकी इच्छा है कि हम चाहे जैसे हैं, भोगी हैं कैसे भी हैं। अरे भाई भोगों में समय नहीं बिताते, वो जो भगवान के भगत होते हैं वो भोगों में नहीं बिताते, भोग मिले न मिले बेपरवाह होती है, ये भोगी नहीं है। लेकिन तो भोगों में अपना समय बिताते तो प्रार्थना तो कर नहीं सकते, क्यों भगवान की अगर ऐसे ही? अरे भाई भोगों में समय बिताते हैं बेचारे, पत्नी की तरफ जा रहे हैं। देखो व्याख्यान में जो बातें कही जाती है एक व्यक्ति नहीं कह जाती है, कोई व्यक्ति किसी बात को समझता है, कोई किसी को समझता है, कोई किसी के लिए, ऐसा होता है। एक आदमी पूछे तो वो पूछे वो कही जाती है, व्याख्यान में तो सब कही जाती है, कोई किसी के लिए लगू तो कोई किसी के लिए, किसी के लिए जो भगवान की भक्ति चाहते हैं उन्हें क्यों बताऊं? तत्व ज्ञान चाहते ज्ञान की बात है, भक्ति नहीं चाहते भक्ति चाहते, वो तत्व ज्ञान नहीं चाहते, चाहे भोग चाहते मोक्ष नहीं चाहते, मोक्ष चाहते भोग नहीं चाहते। हम तो सब बात कहेंगे, भोग की है ये, मोक्ष की है ये, भक्ति की है ज्ञान की है, जो सब बचाने सबके अधिकार है। तुम्हारे मन की सब बात कहेंगे क्या? और नहीं है कोई, मैं नहीं कहता मेरे मन, लेकिन मेरे को तो संतोष नहीं हुआ। अच्छा तेरे संतोष कैसे हुआ था? मैं तो बात कह दी ना कि नाम जप करो, समय भगवान में लगाओ, समय खाली ना जार मस्त रहो, ये तेरे लिए है कि नहीं? ये तो है, लेकिन तेरे लिए ठीक है? ये तो ठीक है। तो यही ठीक तो नहीं है, ये तो नहीं, यही ठीक है, ये तो ठीक, मूल्य कम कर दिया, यही ठीक है, ये तो ठीक है, यही ठीक है। नारायण 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 नारायण, मोह हो जाए भगवान में लग जाओ, समय सब सार्थक बनाओ, बस फिर ठीक है। समय है खराब नहीं जाए, खाली भी नहीं जाए, पापों में नहीं जाए, ये सावधान रहो।